हेलो एवरीवन, आई एम उत्कर्ष साबर और मैं आपके अपने मेरी अपने नए चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ जिसका नाम उत्कर्ष साबर है। और पहले मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा भी नाम उत्कर्ष साबर नहीं है, मैं स्टूडेंट हूँ अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद का। मेरा ब्रांच है IT। मेरा इंटरेस्ट है ट्रैवलिंग, रीडिंग बुक्स और एक्सप्लोर करना कर नए थिंग्स में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब पे अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएट किए जाएँ। बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएशन में काम कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ ना क्यों नहीं कंटेंट क्रिएशन में भी अपना योगदान दूं। तो इसलिए मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाने की स्टार्ट की। तो इसके लिए मैंने कुछ आप लोग के लिए कुछ अच्छे कंटेंट्स, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड कराने का मैंने सोचा हुआ है। तो मैं आप लोग के लिए आज यहाँ पे एक दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों के नाम बताऊंगा। आपने भी सोचा होगा कि इस धरती पे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो उन 10 सबसे अमीर व्यक्तियों के नाम मैं लेके आया हुआ हूँ और आपके लिए बहुत ही अपडेटेड है, 2003 की लिस्ट के अनुसार है, बहुत ही सिक्वेंशियल है और बहुत ही एक रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके पास आया हुआ हूँ। सो अगर आपको ऐसे ही बढ़िया कंटेंट चाहिए, अगर बढ़िया बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए और उनको भी बोलिए कि मेरे चैनल पे आके और वो अच्छी अच्छी चीज़ें देख सकते हैं। और ये अभी तो शुरुआत है, बहुत सारे कॉन्टेंट्स पड़े हैं मेरे पास जिनको मैं वन बाई वन रिलीज़ करता जाऊँगा। सो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी भेजा कीजिए। तो शुरू करते हैं। पहले व्यक्ति हैं जो दुनिया के सबसे अमीर पहले व्यक्ति हैं, उनका नाम है बर्नार्ड आर्नोल्ड। इनका नाम तो बहुत कम लोगों ने सुना होगा, बट आपने सुना होगा कुछ ही दिनों पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी। इनका ही एक ब्रांड है वैसे तो ये 70 से भी ज़्यादा कॉस्मेटिक ब्रांड्स और फैशन ब्रांड्स की को लेकर ये फेमस है। तो उन्हीं में से एक लुई वॉर्टिन करके एक ब्रांड है। उस लुई वॉर्टिन का एक जो है एक कांग्रेस लीडर ने एक स्कार्फ पहना हुआ था, उसको लेकर बहुत ही कंट्रोवर्सी हुई थी। आप उसको न्यूज़ में प्रेफर कर सकते हैं। पहले व्यक्ति हैं बर्नार्ड आर्नोल्ड। इनका नेटवर्थ है $225.9 बिलियन का। CEO हैं LVMH और लग्जरी गुड्स कंपनी के। एज है इनका 74 ईयर। रेजिडेंस है इनका फ्रांस और पेरिस में रहते हैं। सिटीजनशिप भी इनकी फ्रांस की ही है। और इनके बहुत ही अच्छे अच्छे 70 से भी ज़्यादा कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं जिनमें ये डील करते हैं, जिनमें इनकी कंपनी का कहीं ना कहीं योगदान है। ये पहले व्यक्ति हैं और फैशन और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं फैशन की आज के डेट में कितनी ही मांग है। दूसरे व्यक्ति हैं हमारे श्री, इनको कह सकते हैं कि इनका नाम एलोन मस्क है, बट इनके आगे मिस्टर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आपको अगर 10 दिन अगर ट्विटर पे कुछ ना दिखे तो आप समझिए कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा विस्फोट करने में इनका योगदान रहता है। और इनका नेटवर्थ है इनका नाम तो एलोन मस्क है, राइट हैंड साइड में इनका हंसता हुआ चेहरा लगाया हुआ है हमने, बहुत ही हंसता हुआ स्माइली फेस। वैसे तो इनका स्माइली फेस है बट एक अपना दांत दिखाता हुआ चेहरा हमने लगाया हुआ है बगल में। इनका नेटवर्थ है $220.4 बिलियन का, ये भी एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। CEO हैं टेस्ला के, स्पेसएक्स के और ट्विटर के। अपने पेपल का नाम तो सुना ही होगा, ये पेमेंट गेटवे कंपनी है। जिन्होंने नहीं सुना उनको बता दूं मैं, एक पेमेंट गेटवे कंपनी है जिसको इन्होंने ही बनाया हुआ था, बट उनके ही साथियों ने इनको लात मार के वहाँ से निकाल दिया है। और अभी ये टेस्ला और स्पेसएक्स और ट्विटर जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO हैं। और ट्विटर के कारण तो CEO हैं, टेस्ला के इलेक्ट्रिक कार है, स्पेसएक्स के मार्स मिशन के बारे में अगर आपने नहीं सुना तो स्पेसएक्स के बारे में आप जाके सर्च कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्स मिशन है। मार्स मिशन के बारे में ये लेके आ रहे हैं जिससे ये लोगों को सीधे मार्स पे एक घर बसाने का काम शुरू करेंगे। आगे बढ़ते हैं ट्विटर के बारे में तो आपने जानते हैं कि पिछले ही महीने में क्या ही ले ऑफ्स और ये सारी बहुत ही चर्चा और सुर्खियों में रहा हुआ है। ये जिनका 51 ईयर है, रेजिडेंस इनका ऑस्टिन टेक्सास में है, सिटीजनशिप इनकी US की है। मैं आपको बता दूँ बहुत सारे जो कि भी आपके भी बिलियनर्स हैं वो बहुत सारे US में ही बेस्ड हैं। तीसरे हमारे हैं जेफ बेजोस। आपने अमेजन का नाम तो सुना होगा, बहुत इंडिया में बहुत ही फेमस है और जो कि अपनी जो साइट है जो
ई कॉमर्स की साइट है, वो बहुत फेमस साइट है, सीईओ हैं अमेजन के। अमेजन जो भी चीज़ें आपको खरीदनी होती है, टीवी, फ्रिज, जो भी चीज़ें आपको खरीदनी होती है, सारी चीज़ें आपको अमेजन पे मिलती हैं। और हमारे को नॉर्मली लोग आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बहुत सारे लोग वो ख़रीदते भी हैं वहाँ से, तो तीसरे सबसे अमीर व्यक्तियों के नाम में ये कभी कभी ना कभी पहले नंबर पर हुआ करते थे। सो लेकिन अब ये तीसरे नंबर पे हैं और इनका नेटवर्थ है $126.4 बिलियन। एज इनका 59 ईयर है। रेजिडेंस इनका भी मेडिना वाशिंगटन मैसाचुसेट्स, इनकी US की है। सो ये जेफ बेजोस है तीसरे नंबर पे सबसे अमीर व्यक्ति, एज इनका 59 ईयर है। राइट साइड पे इनका भी मुस्कुराता हुआ चेहरा हमने लगाया हुआ है, ये भी थोड़ा टकले हैं। आगे बढ़ते हैं, सॉरी मैं भी टकला हुआ हूँ। फोर्थ है लैरी एलिसन, के बारे में बात करते हैं। नेटवर्थ है इनका $108.3 बिलियन के आसपास, और ये CEO रह चुके हैं ओरेकल के ही, ये भी फाउंडर रह चुके हैं और फाउंडर हैं ओरेकल के, और CEO भी थे 2014 तक। CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, अभी CTO हैं ओरेकल के, 2014 के बाद से CEO नहीं हैं उस ओरेकल कंपनी के, CTO हैं ओरेकल कंपनी के, चीफ टेक्निकल ऑफिसर उसको बोल सकते हैं आप। एज इनका 78 ईयर्स हैं। थोड़ा सा छोटा इनका पिक्चर है, इनका थोड़ा सा मुंह खुला हुआ है, ऐसा पिक्चर हमने लगाया हुआ है। रेजिडेंस लनाई हवाई करके है, ठीक है। सिटीजनशिप इनका भी US का ही। मोस्ट ऑफ द विलेनर्स जो हैं वो US में ही बेस्ड हैं। पांचवे, इनके बारे में बहुत सारे लोग इंडिया में जानते होंगे जो नरेंद्र मोदी को और को फॉलो करते हैं, उनको तो पता ही होगा। वो अभी अभी यहाँ पे रिसेंटली इन्होंने इंडिया में विज़िट किया हुआ था और इन्होंने बहुत प्रेज़ किया था मोदी गवर्नमेंट के, जो कि जो भी उनके डेवलपमेंट प्लान्स हैं इंडिया को लेकर और जो भी उन्होंने करा हुआ है इंडिया को लेकर, वो बहुत प्रेज़ करते हैं कि मतलब कैसे इंडिया डेवलप कर रहा है, बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। सो इनका नेटवर्थ है $110.3 बिलियन का। इनका भी एक बहुत ही ह्यूज नेटवर्थ है। इनका भी हमने राइट साइड में एक मुस्कुराता हुआ, दांत दिखाता हुआ चेहरा लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं इनको। और चाहें तो इनके बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से ले सकते हैं। इनका सोर्स ऑफ इनकम है माइक्रोसॉफ्ट और इन्वेस्टमेंट्स को लेकर इनका है। एज इनका 67 ईयर्स है। रेजिडेंस मेडिना वाशिंगटन है इनका। सिटीजनशिप इनकी भी US की ही है। और ये भी कभी नंबर वन पे हुआ करते थे, बट किस्मत देखिए पाँचवें नंबर पे हैं, कोई बात नहीं है, सबका टाइम आता है। सिक्स नंबर पे हैं वॉरेन बफेट, सबसे बूढ़े व्यक्ति हैं जो अभी तक हमने टॉप 10 में हमारे हैं, तो सबसे बूढ़े व्यक्ति हैं, बट ओल्ड इज़ गोल्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, इनका नेटवर्थ है $106.8 बिलियन। इनका भी राइट हैंड साइड में मुस्कुराता हुआ चश्मा लगाया हुआ, आधा टकला चेहरा लगाया हुआ है। नेटवर्थ है $106.8 बिलियन की। सोर्स ऑफ इनकम है इनका बर्कशायर हैथवे। बर्कशायर हैथवे के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट नहीं कर पाया, बट आप गूगल की मदद लेकर बर्कशायर हैथवे के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एज इनका 92 ईयर है। रेजिडेंस इनका भी ओमाहा नेब्रास्का और सिटीजनशिप US की है। ये भी US में ही बेस्ड है। तो मोस्ट ऑफ द अपने बिलियनर्स जितने भी आप देखेंगे सब US में बेस्ड है। इसीलिए आज के डेट में US एक मेजर रोल प्ले करता है पूरे वर्ल्ड फोरम पे, एक अपना दबदबा बनाए रखना, एक बहुत मजबूत पार्टी के रूप में उभरना और बहुत सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। माइकल ब्लूमबर्ग के बारे में आपने सुना होगा। माइकल ब्लूमबर्ग हैं। इनका भी नेटवर्थ है $94.5 बिलियन। $94.5 बिलियन इनका नेटवर्थ है। सोर्स ऑफ इनका ब्लूमबर्ग LP है। एज 81 ईयर्स का है। इनका भी मुस्कुराता हुआ चेहरा हमने लगाया हुआ है। 81 ईयर्स का इनका है। रेजिडेंस ये भी न्यूयॉर्क सिटी। द सिटीजनशिप इनकी भी USA की ही है। ब्लूमबर्ग LP इनका सोर्स ऑफ इनकम है। फिर से एक बार, एज 81 ईयर्स का है, थोड़ा बूढ़ा दिख रहे हैं। आ जाते हैं कार्ल स्लिम हेलू पे। हेलू जो हैं मैक्सिकन हैं और सिटीजनशिप भी इनकी मैक्सिकन ही है। रेजिडेंस मैक्सिको सिटी में रहते हैं। और इनका सोर्स ऑफ इनका नेटवर्क जो है $93.4 बिलियन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमने लिखा हुआ है, फिर भी हम आपको बोल के बता रहे हैं क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छे से मिल जाए। सोर्स ऑफ इनका टेलीकॉम और इन्वेस्टमेंट्स इनके जो हैं, मैं उनके बहुत इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखी और एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट है $93.4 बिलियन का भी। आप
अर्न करते हैं, तो इतनी ही एज में कर रहे हैं हम। एक अच्छा सा टाई वाई लगा कर इनका भी राइट साइड में हमने फ़ोटो लगा रखा है, तो आप इनका भी फ़ोटो देख सकते हैं। अब आ जाते हैं 9वें नंबर पे, मिस्टर टकलू। अजीब सा इनका थोड़ा सा टकला है, स्टीव बाल्मर इनका नाम है, बट आप मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, बहुत ही बड़े आदमी हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफ इनकम भी इनका माइक्रोसॉफ्ट और इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू है। एज 66 ईयर्स का है इनका। रेजिडेंस हंट्स पॉइंट वाशिंगटन, सिटीजनशिप इनकी भी यूएस की है। सॉरी फॉर द, सिर्फ ये जितने भी मैंने बोला था जिन लोगों को भी गंजे हैं या उनके बाल नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ मजाक के पर्पस से था, और इसको दिल पे ना लें जो भी इनके फ़ैन हैं। मैं कहता हूँ मैं इनकी उतनी ही इज्जत करता हूँ जितनी यहाँ पे इज्जत करते हैं। सो नेटवर्थ है इनका भी $90.8 बिलियन, सोर्स ऑफ इनकम माइक्रोसॉफ्ट और इन्वेस्टमेंट्स। लंबी दौर बातचीत की प्रक्रिया में जो भी हम बातचीत करते हैं, तो आपसे मुझे कनेक्ट होने के लिए कुछ ना कुछ वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है, जिसके थ्रू कि मैं और आप कनेक्ट हो पाएँ और एक हंसी का माहौल बना रहे। सो रेजिडेंस इनका हंट्स पॉइंट वाशिंगटन है। एज 66 ईयर है। सिटीजनशिप इनकी यूएस की है। 10वें नंबर की वुमेन, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हैं वुमेन है ये, और वुमेन जो पहली सबसे ज़्यादा अमीर वुमेन हैं उनका $89.4 बिलियन है। इनका इमेज मुझे अवेलेबल नहीं हो पाया, आप इंटरनेट पर सर्च करके फ्रैंकोइस बेटनकॉट मेयर्स के बारे में जान सकते हैं और इनकी इमेज भी देख सकते हैं। कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से मैंने इनका इमेज नहीं लगाया है, बाकी सब आप इमेज सर्च कर सकते हैं। इनका अच्छा खूबसूरत सा इनका भी चेहरा है। नेटवर्थ $39.4 बिलियन है इनका। सोर्स ऑफ इनका लॉरियल है, लॉरियल पेरिस एडवांस। बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे शैम्पू लगाए होंगे और सिल्की साइनी मेरे बार लॉरियल पेरिस एडवांस है, किया कमाल, ऐसे करके कुछ ऐसे करके हमने कुछ इनका था। एज भी इनका भी 69 ईयर्स है। रेजिडेंस इनका पेरिस और फ्रांस में है, तो दो ही लोग पेरिस और फ्रांस में, 8 लोगों को अपने देखा यूएस में रहते हैं। सो नेटवर्थ इनका भी जो है $89.4 बिलियन है। सिटीजनशिप इनकी भी फ्रांस की है, और अगर आपको फ़ोटो देखना है तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप इमेज अवेलेबल है वहाँ पे, इंटरनेट पे आप देख सकते हैं इनका नाम सर्च करके। और थैंक यू फॉर, आपने अगर मेरे चैनल को देखा हुआ है तो प्लीज़ नेक्स्ट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपसे बोलता हूँ कि ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स के लिए आप आते रहिए, और आप अपने दोस्तों को भी बुलाइए और उनको बोलिए कि ये मैंने आपको 10 लोगों के सबसे अमीर व्यक्तियों के नाम बताए। नेक्स्ट कंटेंट बहुत ही जल्दी आएगा, नेक्स्ट डे ही आ सकता है। सो प्लीज़ आप अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी दिखाइए ये कि मतलब दुनिया में 10 सबसे अमीर व्यक्ति कौन कौन से हैं, उनकी क्या इनकम है, वो कहाँ पे रहते हैं और उनका कितना रुतबा है इस सोसाइटी में, और जो जहाँ पे रहते हैं उस कंट्री का कितना रुतबा है। सो आप दूसरों को दिखाकर इसके बारे में प्रेरित कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, और प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों को दिखाइए, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताइए कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बढ़ने का मौका दें। और मैंने रखा हुआ है टारगेट कि मैं 10 दिनों के अंदर में 500 कम से कम सब्सक्राइबर्स को हिट कर पाऊँ, तो प्लीज़ मेरी इस चीज़ में मदद कीजिए। और मैं इससे भी अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स हमारे पास हैं, उनको हम लाने की बहुत ही जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। तो से पूरी मेहनत लगा रहा हूँ मैं, तो आप भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत लगाइए, दोनों तरफ से एफर्ट लगेंगे तो कुछ अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। तो थैंक यू दोस्तों, एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ हिट द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।